फिर एक बार फिर से आईबीसी 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है, क्योंकि 10 जनवरी को आईबीसी 24 ने दिखाया था कि उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल 1000 बिस्तर के जयारोग्य अस्पताल की धर्मशाला तालों में कैद है। मरीजों के अटेंडर ठंड में रात और दिन गुजारने को मजबूर हैं। ऐसे में ग्वालियर चंबल आयुक्त के निर्देश पर जयारोग्य अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर आर के एस धाकड़ ने धर्मशाला शुरू करने के आदेश दिए हैं। शुरुआत में धर्मशाला का एक फ्लोर खोला जाएगा, जिसमें 55 पलंग बेड बिस्तर के साथ शुरू किए जाएंगे और इसके साथ ही पूरी धर्मशाला व्यवस्थित रूप से धीरे धीरे शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए गजरा राजा मेडिकल कॉलेज की काउंसिल में प्रस्ताव रखा जाएगा। जो मरीजों के साथ अटेंडर आते हैं उनको जितनी सुविधा मिल सकती है उसके हिसाब से एक फ्लोर उसको तैयार कर रहे हैं। 55 पलंग मैं अभी तत्काल उसमें चालू कर रहा हूँ। उसकी जो संचालन समिति है, उसकी जो शर्तें हैं, नियम शर्तें हैं, वो सब बना ली गई हैं। कल कॉलेज काउंसिल में रखेंगे और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में रख के उसको पास करा लेंगे।